इस वीडियो की पहली बात तो यही है कि वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट तरीके से देखना है, ताकि आपके मन में जो भी सवाल आएंगे, जो भी डाउट आएंगे, वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। और मैं एक एक बात का, आपके मन में जो भी सवाल आ सकता है उसका एक एक बात का बिल्कुल क्लियर आंसर दे के जाऊंगा इस वीडियो में, बिल्कुल असाधारण तरीके से। ठीक है, तो नीट 2022 के लिए हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहली बात। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे कि इसकी कितनी वीडियोस होंगी और ये लगभग कितने घंटे की टोटल वीडियोस होंगी, मतलब ये टोटल क्रैश कोर्स है ये कितनी देर का होगा, है ना। तो लगभग अपने क्रैश कोर्स में लगभग लगभग कितनी होंगी, अप्रोक्सीमेटली 10 वीडियोस में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। और टाइमिंग की बात करें तो लगभग ये 7 घंटे में अपना पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। फिर से एक चीज मैं बता दूं, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि फ्रॉम दी जीरो लेवल, मतलब क्या है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब ये कितना है नीट के लिए काफी है या नहीं है, उसका जवाब मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा और बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊंगा, है ना। क्लियर तरीके से मतलब बिल्कुल ईमानदारी से मैं उसका जवाब दूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो ये करा दूंगा वो करा दूंगा, जो असल में है हम उसी की बात करेंगे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल ईमानदारी से। ठीक है, और क्रैश कोर्स अपना कहाँ रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा, है ना, पूरे तरीके से यूट्यूब पर रहेगा। तो सारी वीडियोज आपके लिए फ्री होंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 27 अप्रैल से, है ना, 27 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है, 27 अप्रैल से। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक और चीज़ मैं बता दूं कि कैसे होगा, है ना, पेज पे होगा, स्मार्ट बोर्ड पे होगा, कहाँ पे होगा। तो सिंपल है, जैसे आपके सामने चल रहा है ना अभी, है ना, ये क्या है, ये मेरा टैब है और टैब पे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर रहा। स्क्रीन रिकॉर्ड मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि फिर आपको मेरा हाथ नहीं दिखेगा, ये पेंसिल नहीं दिखेगी, तो फील नहीं आएगी। ये मेरा रीजन है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर रहा इसमें, मैं सामने रख के ऐसे करता हूं। ठीक है, और मेरा हाथ आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये पूरा ब्लैक कलर का रहेगा, कभी भी आपके साथ ये आपकी पढ़ाई में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये अपना मेथड रहेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने क्या किया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जीओसी, ऑल नेम रिएक्शन, ऑल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और बाकी की जितनी बची सारी रिएक्शन हो जाएंगी। ठीक है, देखो, नॉमनक्लेचर वाला और आइसोमरिज्म वाला जो आपका सवाल है, कब है, कैसे है, वो मैं आखिरी में बताऊंगा आपको। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपके मन में जो भी पॉसिबल सवाल आएगा उसका मैं जवाब देके जाऊंगा। ठीक है, जीओसी, ऑल नेम रिएक्शन, है ना, वही देखो टेक्निक है, ये ऑल इन वन टेक्निक है कि ऑल नेम रिएक्शन को एक जगह पे कर देंगे। ऑल ऑक्सीडेशन, पूरी ऑर्गेनिक में जितनी ऑक्सीडेशन है उनको हम एक जगह पे सीख लेंगे, जितनी रिडक्शन है उनको हम एक जगह पे सीख लेंगे, और रिएक्शन का राज भी मैं आगे खोलने वाला हूं। ठीक है, अब बात करें, देखो जीओसी की अपनी लगभग रहेंगी 3-4 वीडियोस रहेंगी, 3 से 4 वीडियो में जीओसी अपनी खत्म हो जाएगी। नेम रिएक्शन की अपनी एक ही वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में मैं सारी नेम रिएक्शन आपकी करा दूंगा, और ऑल ऑक्सीडेशन एंड ऑल रिडक्शन भी हम एक ही वीडियो में कर देंगे, सारी ऑक्सीडेशन, सारी रिडक्शन। और ऑल रिएक्शंस की बात की जाए तो इसमें भी अपने 3-4 वीडियो लग जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें थोड़े ज्यादा होते हैं ना, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और वो सब। ठीक है, और कुछ खास बातें मैं बता दूं, वैसे तो जो रेगुलर देखते हैं उनको पता ही होगी कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहता है, ट्रिक्स रहता है, और ट्रिक्स मैं बिना बात की फर्जी बेकार ट्रिक नहीं बताऊंगा, गारंटी दे रहा हूं, है ना। एक एक ट्रिक ऐसी होगी कि आपको कभी नहीं बोलेगी, है ना, मैं हमेशा गारंटी वाली ट्रिक बनाता हूं, फर्जी बेकार ट्रिक नहीं बताऊंगा। जैसे कि ऑल नेम रिएक्शन है, तो आप सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो कि रोजनमंड, जो नाम आते ही रोजनमंड क्या होती है डायरेक्ट आपको याद आए, वो मेरी गारंटी है। रीमर टीमन क्या होती है, डायरेक्ट नाम आती है आपको याद आए उसमें क्या था क्यों था, वो मेरी गारंटी है। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, कार्बिलामिन रिएक्शन की नाम आते ही आप बता दोगे कहां पे एल्डिहाइड था, कहां पे कीटोन, क्या इससे क्या बन रहा था, वो मेरी गारंटी है, मेरे ऊपर छोड़ दो सब, है ना। ट्रिक्स में मैं आपको कभी पीछे नहीं रहने दूंगा, अच्छी ट्रिक बताऊंगा, लॉजिकल ट्रिक, स्टेबल ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, और है जैसे इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर, माइनस आई, स्पेशली माइनस आई के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, स्टेबल ट्रिक बताऊंगा। प्लस एम, माइनस एम, इनके ऑर्डर को याद करने की ट्रिक, है ना, जो मीजोमेरिक इफेक्ट वाले होते हैं उनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और स्टेबल ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी कैसे चेक करें, है ना, तो ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और स्टेबल ट्रिक बताऊंगा। फिर से बोल रहा हूं, ट्रिक हमेशा हमेशा स्टेबल बताऊंगा। और ऑल इन वन टेक्निक रहेगी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जैसे रिएक्शंस वाले में मैं बोल रहा था ना, रिएक्शन वाला राज बाद में खोलूंगा, तो रिएक्शन वाले में हम क्या करेंगे कि सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक जगह पे कर लेंगे, सारी एडिशन रिएक्शन एक जगह पे कर लेंगे, सारी एलिमिनेशन रिएक्शन एक जगह पे कर लेंगे। ठीक है, और ये तो हम कर ही चुके हैं कि नेम रिएक्शन को एक जगह पे करेंगे, रिडक्शन को एक जगह पे, ऑक्सीडेशन को एक जगह पे।
अब मैं आपके अगले सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म का क्या करेंगे। देखो मैं इस क्रैश कोर्स में तो इनको इंक्लूड नहीं करूंगा, बट मैं ये नहीं बोल रहा मैं इनको कराऊंगा नहीं, ठीक है। देखो मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं यही रहूंगा, है ना। और मैं गारंटी दे रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस क्रैश कोर्स के खत्म होते ही एक वीडियो में नॉमेनक्लेचर और एक वीडियो में आइसोमरिज्म पूरा कर देंगे। आइसोमरिज्म की चाहे अपने की 2 घंटे की बने, 2.5 घंटे की बने, पर पूरा कर देंगे। अब मैं जवाब देने जा रहा हूं आपके नेक्स्ट सवाल का कि PYQ आप कराओगे या नहीं कराओगे, है ना। तो सिंपल सा मेरा आंसर है, देखो सारे PYQ तो मैं नहीं करा सकता, क्योंकि सारे PYQ अगर मैं कराने लग गया तो जो 7 घंटे का मेरा कोर्स है, 7-8 घंटे का जितना भी जाएगा अपना, वो 20-22 घंटे का हो जाएगा, है ना। तो वो क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज अलग से हो जाएगी, क्रैश कोर्स अलग से हो जाएगा, है ना। तो पर फिर भी मैं मोस्टली PYQ, है ना, जैसे ही मान लो कोई टॉपिक समझाया, मान लो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने समझाया और फिर उसके बाद में हम जो भी PYQ के क्वेश्चन है, मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि PYQ वहां पे इंक्लूड करूं। तो मेरे ख्याल से आपके जो भी सवाल थे आपको सबका जवाब मिल चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं 27 अप्रैल को, कब से स्टार्ट होने जा रहा है अपना, 27 अप्रैल से, 27 अप्रैल को मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।